गुरु अनेक नहीं होते सच्चा गुरु एक ही होता है और वो ओरिजिनल गुरु तो कृष्ण है सभी गुरु जो सच्चे हैं वो एक ही गुरु है एक ही शब्द को एक ही सत्य का बखान करते हैं उनमें भेद नहीं है उस गोविंद की ओर इशारा करते हैं उनमें भेद नहीं है लेकिन जो भगवान को नकारते हैं वो मायावादी जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं और अपने शिष्यों की भी संख्या बढ़ाने के लिए उनको भी ये कहते तुम ही भगवान हो कौन भगवान नहीं चैतन्य महाप्रभु जैसे महान वो भी अपना परिचय देते हुए कहते थे जब कोई उनसे पूछते थे आप कौन है जी जी मैं खड़े हो जाते थे मैं दासानु दासानु दास्यू मैं भगवान के दासों का दासों का दास हूं चैतन्य महाप्रु जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए और वो भी अपना परिचय इस प्रकार से दे रहे हैं और ये मूर्ख लोग जो संसार में सब तरह के भोगों में और निकले भी नहीं है भोगों से थोड़े कपड़े चढ़ा लिए ऊपर कोई योगी बन गया है कोई ध्यानी बन गया है कोई ज्ञानी बन गया है कोई ने कोई ग्रुप संभाल लिया है कोई ने कोई ग्रुप और वो कहते कौन भगवान तुम ही भगवान हो नहीं कैसे हो सकते हो एक बूंद को कोई कहे कि तुम सागर हो देवी तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा ये मूर्ख संसार को समाज को भ्रमित करते हैं और पफ होते हैं कि ओ हम ही भगवान हैं फिर हम किस भगवान को मानने वाले हैं तो ये गुरु आडंबरी गुरु मायावादी गुरु इस बात को जो है नकारते हैं कि वो गोविंद भगवान है वो गोपाल भगवान है वो कृष्ण भगवान है वो राम भगवान है वो नरसिंह भगवान है वो वामन भगवान है वो नकारते हैं गुरु नानक देव जी भी यहां तक कह रहे हैं गुरु नानक देव जी भगवान के अवतार हैं फिर भी कह रहे हैं कि नानक ताका दास है सोई निरंजन देवा नामदेव महाराज कह रहे हैं कि धन धन मेघा रोमावली जय कृष्ण उढ़े कामली धनधन श्री वृंदावन जहां खेलें धन धन वृंदावन जहां खेलें श्री नारायण नामदेव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त धन धन रोमा मेघावली मेढा मतलब भेड़ों की जो ऊन है उसकी बोलो धन्य है ओ भेड़ और उनकी रोमा वाली उनकी ऊन उन, जिसकी कामली भगवान श्री कृष्ण के कांधे पे सदैव रहती है शोभा देती है कारी कामरी धन धन मेढा रोमावली जय कृष्ण ओढ़े कामली धनधन वृंदावन जय खेले श्री नारायण और ये मूर्ख लोग वो नारायण को नकारते हैं ये मायावादी लोग उस नारायण को इनकार करते हैं और खुद नारायण बनते हैं कि हम ही हैं वो अकाल पुरुष हम ही हैं वो परम पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं मैं परम पुरुष को दासा जग देखने आयो तमाशा तो कोई नहीं सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त थे उन्होंने एक लंबे समय के लिए आजीवनता के लिए एक व्रत ले लिया था बुढ़ापे में जाके वो था आयाचिक व्रत यानी उन बिना याचना के ही जो स्वतः ही कुछ मिल जाए वो कोई जूता हो या कोई कपड़ा हो या कोई अन्न हो या भोजन हो या जल हो अनायास ही जो भगवान भेज वो ले लेते थे उससे जीवन यापन करते थे गुजारा करते थे उनकी एक पत्नी थी सुगुड़ नारी थी भक्ता नारी थी पतिव्रता नारी थी अपने पति के सुख दुख में संग रहने वाली नारी थी तो पति अयाचिक व्रत लिए हुए हैं तो वो भी कुछ नहीं बनाती थी वो भी जो कुछ स्वतः मिल जाता था कोई चावल दे जाए घरा करके कोई रोटी दे जाए कोई ककड़ी दे जाए वो खा लेते थे दोनों नहीं दे कोई आता कब तक लोग देंगे कभी कभी दो दो दिन तक नहीं आए तो पानी पी लेते थे भगवान का सदैव नाम जपते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय एक दिन सुशीला बोलती है क्यों जी एक बात पूछूं तुमने मुझे कई बार कहा है कि मैं जब बचपन में विद्यार्थी था संदीपनी मुनि मेरे गुरुजी के आश्रम में उज्जैन नगरी में तब एक मेरे मित्र थे बड़े प्यारे मित्र थे श्याम रंग था उनके शरीर का बड़े सुंदर नेत्र थे हम दोनों साथ साथ रहते थे बड़ा आकर्षण था उनके अंदर बड़े प्यारे बालक थे वो मेरे मित्र थे गुरुजी कभी हमको जंगल में लकड़ी चुनने भेजते थे हम साथ साथ जाते थे खेलते कूदते और लकड़ियों का बरोटा बांध के और गुरुजी को गुरु पत्नी को ला देते थे वो मेरे मित्र थे कहते हो कि नहीं मुझे बार बार आप कई बार कहते हो हाँ सुशीला कहता तो वो मेरे मित्र थे लेकिन बिछड़ गए पता नहीं कहां है, है या नहीं है इस दरा दाम पर कौन सा गांव है कहां रहते थे मैं तो सब भूल गया जयोपाल ओ ज्ञान मरांध ज्ञाजनशलाकया ज्ञान चुन्मील तस्म श्री गुरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जय जयगोपाल आओ मेरे बहन और भाइयों सत्संगी प्रेमी जनों समय का अभाव होने के कारण कोई वार्तालाप कथा पूरी नहीं हो पाती उससे पहले समय हो जाता है लेकिन कृपा है असीम उसकी ऊपर वाले की उस मुरली वाले की कि हमको जितना भी समय मिला है उतने समय में तो हम रस का पान कर ही लेते हैं उतना तो अमृत छकी लेते हैं यह क्या कम कृपा है उस दयालु की पिछले सत्संग में कह रहा था सुदामा जी ने याचिक व्रत ले रखा था भगवान के शुद्ध भक्त थे सुदामा जी उनकी पत्नी एक दिन कहती है सुशीला कि सुनते हो आप मुझे कई बार कहा करते हो अपने मित्र कृष्ण की कथाएं कि बचपन में एक मेरे मित्र थे श्याम रंग के मैंने सुना है गांव वालों के मुख से कि एक कृष्ण नाम का एक राजा द्वारकापुरी में राज कर रहे हैं कहीं वही तो कृष्ण नहीं है तुम्हारा मित्र सुशीला मुझे तो पता नहीं मेरी तो मुझे तो याद भी कम आती है हाँ एक बचपन में मेरे कृष्ण एक श्याम रंग के बड़े सुंदर बालक बड़े मनमोहक काले काले नेत्रों वाले इतनी मधुर बात करते थे मेरे साथ रहते थे मेरे मित्र थे बात बात में मुझे हंसाया करते थे क्या पता वो ही कृष्ण मुझे मालूम नहीं है सुशीला बिछड़े बहुत समय हो गए हैं सुनो जी हम बहुत गरीब हैं तुम तो अपने मित्र के पास जाओ ना मिल क्या हो मिल उनसे गांव वालों के मुख से सुना है कृष्ण नाम के एक राजा द्वारकापुरी में राज करते हैं सभी उनको द्वारकाधीश कहते हैं कोई रण छोड़ राय कहते हैं क्या वो तुम्हारे मित्र कृष्ण तो नहीं है एक दिन चले जाओ ना क्या हानि है राजा के पास जाने से तो ऐसे भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है अरे रे सुशीला तुम मैं मांगने के हिसाब से किसी राजा के द्वार पे जाऊं मेरे मित्र सुदामा के मित्र भी हों वो कृष्ण तब भी मैं मांगने के हिसाब से तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन हाँ उनके मिलने की मुझे बहुत इच्छा है यदि वो मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हो तो जरूर मेरी बहुत प्यास है कि उनसे जाकर एक बार गले मिलूं सुशीला कहती है चले जाओ फिर एक दिन सोचो मत लेकिन सुदामा जी जब कई बार कई दिन सुशीला ने कहा तो एक दिन कहने लगे कि ठीक है सुशीला तू बार बार कहती है और मेरे हृदय में उनसे मिलने की बहुत प्यास भी है अगर वो ही कृष्ण हुए ये मेरी इच्छा बहुत अधिक बढ़ गई है लेकिन मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं इतने दिनों के बाद यदि वो मित्र हुए और उनसे मिलूंगा तो उनको कुछ भेंट देनी पड़ेगी और अपने घर में भेंट देने को कुछ नहीं है चावल भी नहीं है दो मिठी मुठ्ठी जो मैं ले जाऊं, सुशीला ने कहा इसका इंतजाम मैं कर दूंगी कोई पड़ोसी से मैं ले आऊंगी चावल ले आई सुशीला चावल के टुकड़े कुछ तीन मुट्ठी चावल लेके आई बस इतनी मिले थे मांगने से मिलता क्या है सुदामा जी वो चावलों के एक गाठ कपड़े में पोटड़ी में बांध के चल दिए द्वारकापुरी की ओर नंगे पाव हाथ में लकड़ी है बुढ़ापा है अंधा है कम दिखता है धुंधला दिखता है चले जा रहे हैं 160 किलोमीटर है, किलो है ज्यादा दूर नहीं लेकिन पैदल चलना है सुदामा जी को रातों में विश्राम करते हुए एक दिन तो पहुंच गए द्वारकापुरी के द्वार पर प्रथम द्वार पर सात दरवाजे द्वारकापुरी के थे सुनहरी द्वारकापुरी थी सौ योजन के घेरे में यह द्वारकापुरी बनी हुई थी सोलह हजार एक सौ आठ रानियां भगवान श्री कृष्ण की थी प्रत्येक रानी का एक एक महल और सुंदरता बागों के साथ सजे हुए थे बड़ी विशेष महिमा थी उस द्वारकापुरी के समुद्र के मध्य में थी पहले दरवाजे पर पहुंच गए सुदामा जी घबरा रहे हैं कि ये द्वारपाल मुझे अंदर जाने नहीं देंगे लेकिन वो सोच ही रहे थे कि ब्राह्मणों का टोला द्वारकाधीश के दर्शनों को जा रहा था जैसे भगवान के दर्शनों को बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण आया ही करते थे नित्य आया ही करते थे दूसरे दूसरे जन वो ब्राह्मणों के ग्रुप में मिल गए बीच में घुस गए जी कि इनके भीड़ भड़के में ये द्वारपाल मुझे नहीं देखेंगे नहीं मुझे देख लेंगे मेरी दशा देख के ये रोक देंगे कि ये फकीर कहां घुसा जा रहा है पहला दरवाजा पार कर गए दूसरा दरवाजा पार कर गए तीसरा दरवाजा पार कर गए आखिर तो छुपते छुपाते सुदामा जी रुकमणि के दरवाजे पर जा पहुंचे जहां श्री कृष्ण भगवान निवास कर रहे थे सुदामा जी को मालूम नहीं है कि, कि यहाँ पर कृष्ण मेरे मित्र है रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी की अवतार है आके रुक्मणी जी के द्वारपालों ने रोका कि तुम कहा जा रहे हो ब्राह्मण देव भैया मेरे जो यहां के राजा है कृष्ण वो मेरे मित्र हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूं अरे द्वारकाधीश द्वारका नाथ ये स्वर्ण नगरी द्वारकापुरी के सम्राट तुम्हारे मित्र क्या कहते हो क्या बुद्धि ठिकाने पर है नहीं भैया मैं सत्य कहता हूं बचपन में मैं और कृष्ण दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं एक ही गुरु जी से विद्या अध्ययन किया है लेकिन अब बिछुड़ गए मुझे उनसे मिला दो ठहरो मैं पूछ के आता हूं कि यह सही बात है क्या नाम है तुम्हारा सुदामा द्वारकाधीश को प्रणाम करके द्वारपाल बोला द्वारका नाथ एक सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है बड़ी दीन दशा है वो बार बार कह रहा है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं बचपन का मैं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक ही संदीपनी मुनि के आश्रम में पड़े वो अपना नाम सुदामा बतला रहा है द्वारकाधीश बोलते है, क्या कहा द्वारपाल फिर से कहो बोलो हे द्वारकानाथ। नाथ एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है वो अपना नाम सुदामा बतलाता है और आपसे मिलना चाहता है द्वारपाल फिर कहो क्या नाम बतलाता है द्वारका द्वारका नाथ सुदामा बस भगवान कह सुदामा कहके चिल जोर से सुदामा कहके भाग लिए दरवाजे की तरफ उनके मुकुट गिर गए दुपट्टा गिर गया सुदामा को लिपट गए जाकर के बाहों में भर लिया अपने मित्र को लिपटे रहे लिपटे रहे बहुत समय तक बलराम जी उधर से गुजरने गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि यह क्या कृष्ण किन को गले मिल रहा है और इतने लंबे समय के लिए आश्चर्य बलराम जी ने नजदीक जाके सुदामा जी के गले लगे हुए कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा कि कृष्ण क्या हो गया है कौन है ये और ये इतना लंबा मिलन हा भैया ये मेरे मित्र है सुदामा है जय गोपाल जय गोपाल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र परम मित्र सुदामा जी को अपने महलों में ले गए रुक्मणी जी के महलों में जहां वो विराजमान थे रुक्मणी जी के साथ और रुक्मणी और दूसरी और भी रानियां वहां थी सभी को परिचय कराया कि ये मेरे मित्र हैं गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े हैं सुदामा इनका नाम है मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं ये रुक्मणी जी दूर हट गई भगवान ने रुक्मणी जी की सेज पर सुदामा को कहा कि बैठो मेरे मित्र रुक्मणी जी की सेज पर लक्ष्मी जी की सेज पर अपने मित्र को बिठाया परात मंगाई, जल मंगाया कि रुकमणी सत्यमा मेरे मित्र आए हैं जल लाओ इनके चरण धोने मुझे भगवान ने रुक्मणी इत्यादि रानिया जल लेके जल की झारियां लेके खड़ी है भगवान के नेत्रों से सुदामा की ये दिन दशा नहीं देखी गई उनके पाओ में बिवाईया फटी हुई थी रक्त बह रहा था कांटे घुसे हुए थे चलकर आए थे दूर से नेत्रों से परमेश्वर के नेत्रों से ने असुओं की धाराएं बह निकली अपने भक्त के दशा देख करके अपने नेत्रों से निकलते हुए जल से ही उनके पाओ को मलने लगे भगवान ने अति प्रेम किया सुदामा जी को सुदामा जी ने दूसरे दिन सुबह हुई तो कहा अभी मैं वापिस जाऊं सुशीला इंतजार करेगी एक रात का ही एक दिन का ही नाम लेके आया हूं और पहुंचने में अभी तो बहुत टाइम लगेगा कई दिन जाएंगे पाँच छह दिन में आके पहुंचाऊ पांच छह दिन जाने में लगेंगे एक रात आपके साथ रह लिया आपसे मिल लिया मेरे को आनंद आ गया बहुत प्यास थी आपसे मिलने की आपके दर्शनों की आप द्वारकाधीश बने हुए हैं काफी उम्र हुई है आपको भी यहां रहते हुए नवनूतन नंदकिशोर भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं सुदामा जी को बड़े बड़े स्नान करवा के बड़े सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया था एक रात्रि के लिए और एक दिन के लिए जाने लगे तो सुदामा जी को बोले भैया ये तो राजघराने के वस्त्र इनको तो यहीं उतार जाओ इनको लेकर के कहा जा रहे हो ये तुम्हारी धोती रही इसको पहन लो सुदामा जी कहा मैं भूल गया मेरी धोती सुदामाजी को एक पैसा भी नहीं दिया भगवान ने ना ही सुदामाजी चाहते थे ना ही उनकी कोई याचना थी पैसों की उन्होंने तो याचिक व्रत लिया हुआ था सुदामाजी अपने रूप को अपने अपके वस्त्रों को पाकर के प्रसन्न हो गए और लकड़ी टेकते हुए द्वार अपनी सुदामापुरी की ओर चल दिए जो आज पोरबंदर नाम से जाना जाता है शहर लेकिन वहां पहुंचे तो लीला कुछ और हो रही है गोविंद की वह सुदामा का घर नहीं मिल रहा है सुदामा जी उस प्रेम में इतने पागल हो उठे थे भगवान के प्रेम में इतने आनंद विभोर होते हुए रास्ते में चलते हुए आ रहे थे गांव में नगर में प्रवेश किया अपने घर की ओर बढ़े लेकिन वहां तो घर नहीं है सुदामा जी का बड़ी चकित हुए अरे मैं कोई मार्ग तो नहीं भूल गया भैया ये सुदामा नगरी है बोला हा सुदामा जी क्यों पागल बन रहे हो ये सुदामा नगरी है अरे फिर मेरा घर कहाँ गया मेरे हिसाब से तो यहीं पर घर होना चाहिए यहां पर तो महल खड़ा है सुंदर महल खड़ा है चार मंजिल का सुदामा जी सोच ही रहे थे ऊपर से झरोके में से सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आवाज दी कि अजी सोच क्या रहे हो अंदर आ जाओ ये आप ही का घर है सुदामा भी चक्कर में पड़ गए कि सुशीला इतने सुंदर वस्त्रों में खड़ी है सखियों के साथ सुशीला शीघ्रता से उतर के आई और उनका हाथ पकड़ के महलों में ले गई जी हाँ आप ही का महल है यह आश्चर्य हुआ है आपके मित्र से मिलने गए थे ना आप उसी का ये फल है सुदामा कहते हैं कि लीन सुशीला मैंने तो कोई सांसारिक फल नहीं मांगा मैं क्या करूंगा इस महल में रह करके ये मुझे क्यों दिया है भगवान ने भगवान की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो ये उन्होंने प्रसन्न होकर दिया है अपने मित्र को दिया है अपने मित्र के रहने के लिए आप इसमें रहो वरना उनका दिल दुख जाएगा आप चाहेंगे कि कृष्ण जी का दिल दुखे नहीं मैं नहीं चाहूंगा जो वो देता है उसको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा ऐसे भाव कृष्ण जी के ये परम भाव है इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानसी तनुम आश्रितम परम भाव भूत महेश्वरम मूर्ख लोग मेरे परम भाव को नहीं पहचानते मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं पहचानते और मैं मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं इसलिए मेरा मुझे अपनी जैसा ही समझते हैं ऐसे मूर्छित लोग ऐसे राक्षस लोग ऐसे मायावादी अहंकारी लोग मुझे नहीं पहचानते ना हम प्रकाश हो, सर्वस्व हो, योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जाना थी। लोको माम अजम अव्ययम कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को अर्जुन मैंने तुझे सब तरह का दसों दिशाओं का ज्ञान दे दिया है गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया है तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है क्या तूने ध्यान पूर्वक सुना और इसके सुनने से क्या तेरा अज्ञान अंधकार मोह माया ममता नामक भ्रम सब नष्ट हो गए हैं सब समस्याओं का समाधान हो गया है तब अर्जुन कहते हैं हे गोविंद मेरे तमाम मोह ममता अहंकार अज्ञानता नष्ट हो चुके हैं नष्टो स्मृति स्मृतिर्लबा और मुझे वो स्मृति वापस मिल गई है जिस स्मृति को पाकर के आदमी अपने स्वरूप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूं और उस गोविंद को भी पहचान जाता है कि वो कौन है जो हमारा बीज पिता है मैं आपको भी अभी पहचान रहा हूं और मेरी स्थिति को भी पहचान रहा हूं कि मैं आपका एक भक्त हूं आपका मित्र हूं नष्टो मोहा स्मृतिर्सादान मायाच्युत आपकी कृपा से ये सब हो कुछ हो गया है गोविंद स्थितो अस्मी अब मैं स्थिर बुद्धि अब मेरा मन चलायमान नहीं हो सकता अब मैं इधर उधर भ्रमित नहीं हो सकता अब मैं कुएं में नहीं गिर सकता खाई में नहीं गिर सकता गड्ढे में तमोगुण में अंधकार में नहीं जा सकता अब मैं उजाले में हूं प्रकाश में हूं स्थिर हूं स्थिर बुद्धि है इस समय मेरी स्थितो अस्मि मैं स्थित हूं मैं अपनी क्षत्रिय धर्म में स्थित हूं मैं अपने धर्म क्षेत्र में स्थित हूं युद्ध क्षेत्र में स्थित हूं अब आप कहिए गोविंद स्थितो अस्मि गत संदेह मेरे सारे संदेह गिर चुके हैं नष्ट हो चुके हैं ऑल इल्यूज़न्स डिमोलिस्ड सारे ही संदेह मेरे नष्ट हो गए हैं करिष्ये वचनम शे वचनम तवा हे गोविंद आप अब जो भी कहोगे वही मैं करूंगा जो भी कहोगे यह कहोगे कि अर्जुन छलांग मार तो छलांग मारूंगा आप कहोगे अर्जुन युद्ध कर मार इन आताइयों को तो मैं मारूंगा युद्ध करूंगा अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूं ये सब मोह ममता का जाल कट गया है छट गया है हट गया है वो धुंध और कोहरा जो मेरी आंखों के सामने था जो सूर्य को नहीं देखने देता था अब स्पष्ट नीला आसमान है और वो सूर्य चमक रहा है उस सूर्य के मध्य में आप स्वयं साक्षात परमेश्वर परमपिता, मेरे मित्र स्वरूप से मेरे गुरु स्वरूप से खड़े हैं और मैं आपका शिष्य आपका भक्त अर्जुन कहिए भगवान मैं क्या आज्ञा दीजिए मुझे मेरे मेरी सेवा मुझे दीजिए कहिए मैं क्या करूं मैं आपके वचनों का पालन करूंगा ये अर्जुन के शब्द थे जब सारी गीता का पान हो गया सब सारे आत्मज्ञान का पान हो गया जब पी लिया अर्जुन ने अमृत की तरह कंसंट्रेटिवली लाइफ इज मेडिटेशन मेडिटेशन Just to learn this art, how to meditate, your each step meditation. Just learn how to meditate upon each step of life, and you get a great pleasure, great happiness, great enjoy, great, great knowledge, centralized self realization. You will be one day. Self-realized, realized, a devotee of Lord, a great devotee, you will, you will, be full of bliss one day. You will be full of knowledge one day. You will be purest eternal soul, Sachchidanand label For our abhi nahi, abhi contaminated, illusioned one. कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस कवर्ड कॉन्शियसनेस अभी आप भोगी विलासी और भोग विलासों की काम क्रोध मदमोह मत्सर लालस जैसे शत्रुओं ने आपके चारों आपकी पवित्रता पर चारों ओर से काले रंग का लाल रंग का पीले रंग का आवरण चढ़ा दिया है आपके भ्रम चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं आपकी भ्रम की गांठें लगी हुई हैं आपके खजानों ने आपको मदा मदांद किया हुआ है अभी आप पॉल्यूटेड माइंड हैं पॉल्यूटेड कॉन्शियस है कॉन्शियस तो प्योर है लेकिन कवर्ड है वो प्योरिटी तो प्योरिटी को हटाने के लिए गीता का ज्ञान गीता को सुनना इस परम ज्ञान की प्राप्ति एक सदगुरु से एक शुद्ध भक्त के मुख से होती है उसका लाभ आपको मिलता है आप भी पवित्र हैं अर्जुन की तरह भगवान के भक्त हैं मित्र हैं लेकिन भूले हुए हैं उस स्थिति को अर्जुन को याद आ गया स्मृति लभता अर्जुन को वो याद आ गई है कि मैं कौन हूं दासानुदास दास मैं उसका बालक हूं बच्चा हूं उसकी संतान हूं वो मेरे पिता हैं, आप भूले हुए हैं आपको भी याद आएगी जब गीता का ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे सत्संग में आएंगे रहेंगे डटेंगे जय गोपाल